नमस्कार मित्रों, लेके आए हम बिल्डिंग मटेरियल का दूसरा चैप्टर ब्रिक बाय अविनाश त्रिपाठी। हम बात करेंगे सबसे पहले कि ब्रिक होती क्या है, ब्रिक की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो ब्रिक किसी भी संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे मिलकर संरचना बनी होती है। ये कई तरह की होती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किस चीज़ों से ये मिल करके बनी होती हैं, ये सारी बात हम करेंगे आगे। ब्रिक का यूज़ हर जगह होता है, रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वहाँ पे, चाहे जहाँ आप देखेंगे ब्रिक का यूज़ होता है। हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की वो छोटी से छोटी यूनिट ब्रिक है जिससे पूरी सिविल इंजीनियरिंग बनी हुई है, जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन जिस पे टिका हुआ है। जैसे कि हमारी बॉडी में सेल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर या वर्गाकार आकृति में मोस्टली बनाई जाती हैं, रेक्टेंगुलर या तो फिर स्क्वायर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक दो तरह की होती है। पहली हो गई अनबर्न्ड ब्रिक, जिसे पकाया नहीं गया होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 21 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी हो गई हमारी बर्न्ड ब्रिक, जिसको उच्च टेम्परेचर पे पकाया जा चुका होता है। ये तीन तरह की होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक। इन तीनों की स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ब्रिक के कंपोजिशन, ब्रिक में मेनली पाँच चीज़ होती है जो निम्न है, एलुमिना 20-30%, सिल्का 50-60%, लाइम 2-5%, आयरन ऑक्साइड 3-5% और मैग्नीशिया का मान 1% से कम होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना को ब्रिक का मेन कंपोनेंट माना जाता है, ये ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रदान करती है। सिल्का 50-60% होती है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ये जो है ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रदान करती है और गलने के बाद ब्रिक को बांधती है। फिर लाइम जो है, लाइम ब्रिक में फ्लस का काम करता है, ये कम टेम्परेचर पर सिल्का को पका देता है और ब्रिक को वार्पिंग और श्रिंकेज से रोकता है। लेकिन इसके ज़्यादा होने से ब्रिक जल्दी पक जाएगी और जल जाएगी। ब्रिक में लाइम को पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी फ्लस का काम करता है, ये ब्रिक को उसका रेडिश कलर प्रदान करता है और स्ट्रेंथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता से ब्रिक का कलर काला नीला पड़ने लगता है और ब्रिक जल जाती है। मैग्नीशिया 1% से ज़्यादा होने पर ब्रिक डिके हो जाती है और इसका विघटन हो जाता है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ, अगर ब्रिक अर्थ में प्लांट्स की रूट्स होंगी तो ये जलने के बाद ब्रिक में कैविटी उत्पन्न कर देंगी जिससे ब्रिक फेल कर जाएगी। अगर उसमें लम्प लाइम होगा तो तराई करते समय ये जो चूना होता है वो बुझ करके CO2 गैस बाहर निकलता है, जिससे ब्रिक में एक्सपेंशन के कारण ब्रिक फेल कर जाएगी, क्रैक कर जाएगी। एल्कलीज होने से फ्लोरेंस उत्पन्न हो जाएगा और ब्रिक फेल कर जाएगी। आयरन पाइराइट होने से ये जो है ब्रिक को क्रिस्टलीय संरचना में बना देती है, जिससे ब्रिक कमज़ोर हो जाती है। साइज़ ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ होती है 19x9x9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज़ होती है स्टैंडर्ड ब्रिक की 20x10x10 सेंटीमीटर। ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ब्रिक की साइज़ होती है 23x11.4x7.64 सेंटीमीटर। दीवार में ब्रिक और मोर्टार के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए ब्रिक के टॉप सरफेस पे फ्रॉग दिया जाता है, जिसकी साइज़ 10x4x1 सेंटीमीटर या 10x4x2 सेंटीमीटर होती है। प्रेपरेशन ऑफ ब्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें आता है प्रेपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, फिर मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग करते हैं। अब हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में, इसका सीरीज़ कभी कभी आती है एग्ज़ाम में। तो सीरीज़ इसकी है, पहले अनसॉइलिंग, फिर डिगिंग, फिर विदरिंग, फिर ब्लेंडिंग और फिर नीडिंग या पगिंग। पगिंग पग मिल की सहायता से ब्रिक अर्थ को गूंथने की प्रक्रिया कहलाती है, इसमें 30-35% पानी मिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूखते समय ब्रिक अपने ओरिजिनल डायमेंशन का 10% कॉन्ट्रैक्ट करती सिकुड़ती है, इसलिए ब्रिक मॉल्ड की इंटरनल साइज़ जो होती है 21 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। मॉल्ड दो तरह से बनाया जाता है, वुडन मॉल्ड और स्टील मॉल्ड। वुडन मॉल्ड में शीशम का यूज़ करते हैं। स्टील मॉल्ड से बनाई गई ब्रिक ज़्यादा अच्छी होती है वुडन मॉल्ड के कंपेयर में। टेबल मॉल्डिंग से बनाई गई ब्रिक ग्राउंड मॉल्डिंग की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। मशीन मॉल्डेड ब्रिक हैंड मॉल्डेड ब्रिक से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। इसी के साथ सैंड मॉल्डेड ब्रिक स्लोप मॉल्डेड ब्रिक से ज़्यादा अच्छी होती है, उसके एज ज़्यादा शार्प होंगे, ठीक है। अब ड्राइंग की बात हम करेंगे ब्रिक की।
ब्रिक को नॉर्मली 7 से 8 दिन तक ड्राई करते हैं, सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई ब्रिक की जो स्ट्रेंथ होती है 21 kg/cm² होती है। इसको डायरेक्टली धूप में नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। ब्रिक में बर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं जिक्र किए दे रहा हूँ। सबसे पहले पजावा, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि पजावे का एडवांटेज क्या है। तो पजावे का एडवांटेज ये है कि पजावा सस्ता होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ आ सकता है वो ये है कि इलाहाबादी किल्न जो है इंटरमिटेंट टाइप का किल्न है, बुल ट्रेज किल सेमी कॉन्टीन्यूअस किल्न है, और हाफमैन किल्न कॉन्टीन्यूअस किल्न है, ठीक है। बुल स्टेंच से लगभग 70-80% ब्रिक फर्स्ट क्लास की प्राप्त होती है। इसके एक चैम्बर की कैपेसिटी 25,000 होती है। इसमें ब्रिक का बर्निंग टाइम 24 घंटा और कूलिंग टाइम 8 से 10 घंटे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें ब्रिक को 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाता है। हाफमैन में भी लगभग सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस उसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की दक्षता होती है जो मिलती है वो 80-90% मिलती है। ब्रिक की लेंथ L=2B+T फॉर्मूले से ज्ञात की जा सकती है, जहां B जो है ब्रिक की चौड़ाई है और T जो है मसाले की या मोर्टार की थिकनेस है। फिर से मैं बोलता हूं, L=2B+T ये क्वेश्चन अक्सर आता है। हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ ब्रिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन का मान उसके ड्राई वेट के 20% से कम होना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन उसके ड्राई वेट के 20-22% से कम होना चाहिए। और थर्ड क्लास की ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन उसके ड्राई वेट के 25% से कम होना चाहिए, या 25 से अधिक कह सकते हैं होता है। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसमें ब्रिक के फ्रॉग में 1:3 का सीमेंट सैंड का मोर्टार भर के उसे 3 दिन के लिए क्यूरिंग में रख देते हैं, क्यूरिंग करने के लिए। फिर उस पर 140 kg/cm² की दर से लोड लगाते हैं, और टेस्ट जिस पे फेल कर जाती है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्लास के लिए 75 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए, और थर्ड क्लास की ब्रिक के लिए 35 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस टेस्ट में ब्रिक के ऊपर नाखून से स्क्रैच लगाते हैं। अच्छे ब्रिक में नाखून से स्क्रैच लगाने पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक में बिल्कुल नहीं पड़ता, सेकेंड क्लास ब्रिक में थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन थर्ड क्लास की ब्रिक में स्क्रैच लगाने पे साफ साफ स्क्रैच झलकता है। डायमेंशन टेस्ट में हम 20 ब्रिक्स को चट्टे में से निकाल लेते हैं, और अच्छे क्वालिटी के ब्रिक के लिए लेंथ 368 cm से 392 cm तक वेरी करती है। वेथ जो होती है 174 cm से 186 cm तक वेरी करती है, और हाइट जो होती है 174 cm से 186 cm तक वेरी करती है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो ब्रिक की साइज़ है वो 19×9×9 cm है, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट में दो ब्रिक को ले करके उन्हें एक दूसरे पे टकराया जाता है, ठीक है। तो उन्हें टकराने पे वो टूटनी नहीं चाहिए, और जो साउंड आना चाहिए वो अच्छा साउंड, मेटलिक साउंड आना चाहिए, यही उसकी साउंडनेस टेस्ट होती है। अब हम कुछ ब्रिक में होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लोटिंग। तो ब्रिक अर्थ में अगर कार्बोनियस मटेरियल ज़्यादा हो गया है तो ये सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को ब्लोटिंग कहते हैं। अगर गर्म ब्रिक पे बारिश की बूंदें गिरी हैं तो ब्रिक क्रैक कर जाती है आवाज़ के साथ, इसे चफ्स कहते हैं। और अगर ब्रिक में मोल्डिंग के टाइम कुछ वॉइड्स रह जाते हैं तो वही वॉइड्स जो है जब पकती हैं तो ब्रिक वो वॉइड्स में से बह जाती है, मतलब थोड़ी स्लीचिंग हो जाती है, इस डिफेक्ट को ब्लिस्टर्स कहते हैं। बात करेंगे हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक टेबल मोल्डेड ब्रिक होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है इसके ड्राई वेट के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका कलर रेड होता है। दो ईंटों को पकाने पर जो है मेटलिक साउंड आता है। ब्रिक्स के कॉर्नर और एज एकदम शार्प होते हैं, और ब्रिक्स के सरफेस पे
नाखून से रगड़ने पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। इसका यूज़ लोड बेयरिंग वॉल्स में करते हैं। इसका जो वेट होता है नॉर्मली 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। अब हम लोग सेकेंड क्लास ब्रिक के बारे में देखेंगे। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 kg/cm² से ज़्यादा होनी चाहिए। जल अवशोषण क्षमता इसकी इसके ड्राई वेट के 22% से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइट रेड इसका कलर होता है। नाखून से स्क्रैच करने पे निशान नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद दो ईंटों को टकराने पे हल्का साउंड होता है। थर्ड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg/cm² से अधिक होनी चाहिए। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन इसके ड्राई वेट के नॉर्मली 25% या इससे अधिक हो सकता है। दो ईंटों को टकराने पर डल साउंड आता है। स्क्रैच करने पर डीप स्क्रैच पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिक्स की। सबसे पहले देखेंगे रिफैक्ट्री ब्रिक्स। रिफैक्ट्री ब्रिक्स का यूज़ ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे लाइनिंग ऑफ फर्नेस, दहन कक्ष आदि। ये तीन तरह की होती है। पहला होता है एसिड रिफ्रैक्ट्री ब्रिक। इस ब्रिक का मेन कंपोनेंट सिलिका होता है। इसका यूज़ ऐसे जगहों पर करते हैं जहाँ एसिड स्लैग निकलता है। दूसरा हो गया बेसिक रिफ्रैक्ट्री ब्रिक। इसका मेन कंपोनेंट होता है मैग्नीशिया। इसका यूज़ उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर बेसिक स्लैग निकलते हैं। तीसरा हो गया न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री ब्रिक। न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री ब्रिक को सामान्यतः सिलिका, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइट मिला करके बनाया जाता है। इनका यूज़ एसिड तथा बेसिक दोनों स्लैग वाली जगहों पर किया जा सकता है। हैवी ड्यूटी ब्रिक की स्ट्रेंथ लगभग 400 से 450 kg/cm² होती है। इस टाइप की ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से कम, इसके ड्राई वेट के 10% से कम होता है। ये एक मशीन मोल्डेड ब्रिक है। परफोरेटेड ब्रिक की साइज भी 19x9x9 cm होती है। इसका यूज़ पार्टीशन ब्रिक या साउंड ब्रिक वॉल में करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 75 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। हॉलो ब्रिक, इसे सेलुलर या कैविटी ब्रिक भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रेंथ 35 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। इसका यूज़ भी उन्हीं जगहों पर करते हैं जहां पर परफोरेटेड ब्रिक का यूज़ किया जाता है। इसका फ्रॉग एरिया टोटल डायमेंशन के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेविंग ब्रिक, पेविंग ब्रिक का यूज़ ऐसे जगहों पर करते हैं जहां वेयरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी वेयरिंग रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। पेविंग ब्रिक में जो क्ले यूज़ की जाती है उसमें आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे इनकी वेयरिंग रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी होती है। इनकी स्ट्रेंथ 200 से 250 kg/cm² होती है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिक फॉर्म्स के। जैसे हाफ ब्रिक बैट का यूज़ फ्लेमिश बॉन्ड में करते हैं। 3x4 ब्रिक बैट का यूज़ भी फ्लेमिश बॉन्ड में करते हैं। किंग क्लोज़र का यूज़ जैम बनाने में किया जाता है। क्वीन क्लोज़र का यूज़ इंग्लिश बॉन्ड बनाने में करते हैं। कैंट ब्रिक का यूज़ जैम बनाने में करते हैं। बेवल्ड ब्रिक का यूज़ दीवार में न्यून कोण बनाने में किया जाता है। बुल नोज ब्रिक का एक सिरा मुड़ा होता है, राउंडेड होता है एक सिरा। इनका यूज़ उन जगहों पे करते हैं जहाँ पर दीवार समकोण में मिली होती है। जहाँ पर दीवार समकोण में मिली होती है वहाँ पर हल्का राउंडेड सेक्शन दिया जाता है, जिससे दीवार टूटे ना, उसको क्वाइन कहते हैं। तो बुल नोज का यूज़ हम लोग क्वाइन में, दीवार में क्वाइन में करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिक से रिलेटेड कुछ IS कोड की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स IS कोड 1077 के हिसाब से और 3102 के हिसाब से करते हैं। टेस्ट ऑफ ब्रिक IS 3495 के हिसाब से करते हैं। हैवी ड्यूटी ब्रिक का IS कोड 2180 है और परफोरेटेड ब्रिक का IS कोड 2222 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Please subscribe and share my page, and a special thanks to my sir. Thank you.